गेल्या काही दिवसांपासून सतत पाऊस पडल्यानं सगळीकडे पाणी साचलंय. पावसामुळे कामठा येथील रहिवासी लक्ष्मण चौधरी यांचं घर पडल्यानं घराच्या मातीखाली 3 लोक दबल्याची घटना सुद्धा घडली. त्यांना तात्काळ गंभीर अवस्थेत गावकऱ्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कामठा येथे उपचारासाठी दाखल केलं. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे याविषयी डॉक्टर आणि जिल्हा परिषद सदस्य विजय लोणारे, सरपंच लिलेश्वर कुंभारे यांनी सर्च टीव्हीशी बोलताना अधिक माहिती दिली. बघूया. 3 से 4 लोग दबे हुए थे. अब ग्रामीणों ने यहाँ से दबे हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया है और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लोगों से, घर के परिवार के लोगों से, कि जिन लोगों का परिवार के लोग यहाँ दब गए हैं, आइए बात करते हैं उनसे. बोल रहे क्या नाम है आपका? लक्ष्मण. आप सीधा खड़े हुए? हाँ, क्या हुआ, कैसे गिरा ये? पानी आ रहा था. अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए इसमें? 3. 3 लोग घायल हुए. कहाँ है वो अभी? वो लोग हॉस्पिटल में ले गए, गंभीर अवस्था में है. अच्छा, ये लापरवाही हम किसी की इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आपातकालीन है. ये वर्षा 8 दिन से लगातार हो रही है और इस वर्षा का पानी जो है, ये पानी निकल नहीं पाने के वजह से, क्योंकि दीवारें जो है पानी की वजह से मुरमुरा जाती है और जब दीवारें मुरमुरा जाती है तो वो मकान बैठते आता है. मगर इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि शासन ने जो अतिवृष्टि के लिए शासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अतिवृष्टि में इनका जो मकान जो गिरा है, इसके लिए शासन ने इनके भर प्रयास इनकी मदद करना चाहिए. एकदम नॉर्मल पेशेंट नहीं थे तो हमने जो प्राइमरी हमारा हेल्थ सेंटर है तो जो ट्रीटमेंट करनी थी उनको दे दी और हमारी पीएचसी की एम्बुलेंस में उनको KTS में रेफ़र कर दिया था. अभी उनकी हालत वैसे इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी. मोस्ट ऑफ द पेशेंट को कंपाउंड फ्रैक्चर थे और बाकी को कुछ एब्रेजन थे, कुछ कंट्यूजन थे. कितने लोग थे मैथ्स का जो मतलब नॉर्मल लोग जो थे कि जिनको एब्रेजन और कंट्यूजन थे, वो ऐसे 2-3 लोग थे. बाकी तो मैथ्स कैजुअलिटी थी बहुत. तो उनको एक बाहर की कोई गाड़ी थी और एक हमारी गाड़ी है, दोनों गाड़ी में KTS में हमने रेफ़र कर दिया.